सर मुझे कोई चीज़ है जो पसंद है, बहुत मज़ा आता है करने में, बट आई एम नॉट श्योर कि हाँ यार मेरे को ये करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो आपने कहा था कोई भी चीज़ है, जैसे मैं पढ़ रहा हूँ बट मेरे को कुछ और चीज़ पसंद है तो मैं उसको छोड़ूँ ना, अभी 7 दिन दूँ, तो अगर वो बढ़ती गई, रोज के रोज बढ़ती गई, और आपको पता चल जाएगा कि हाँ यार ये चीज़ है जो आपको करना मतलब मज़ा आता है। बट सर वो चीज़ है कि जो बढ़ नहीं रही बट मेरे को मज़ा आता है करने में जब मैं वो चीज़ करता हूँ। सो अब मैं कंफ्यूज हूँ क्योंकि जो मैं पढ़ाई कर रहा हूँ वो कंटिन्यू करनी चाहिए या जो जिसमें मेरे को मज़ा आता है वो करना चाहिए। समझ आया? बाबूजी क्या कहा आपने, हमका समझ नहीं आई, हमका अच्छे से समझाई दो। सर आपकी नींद अच्छी लग रही है। उतारू? अभी तो आपका ध्यान मेरी जीन्स की तरफ है, ध्यान थोड़ा ऊपर उठाओ और ऊपर, यहाँ यहाँ यहाँ, ठीक है ना? आप ये कह रहे हो कि आपका इंटरेस्ट है किसी काम में, उसमें आपको मज़ा आता है करने में, लेकिन आप कर कुछ और रहे हो, तो उस काम को करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये आपका सवाल है। बिल्कुल। देखो इसका ना कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। जब भी आप मेरे सेशंस देखते हो ना तो लीनियर तरीके से मत देखो, मतलब ऐसे मत देखो कि मैं क्या कह रहा हूँ, मेरी थॉट प्रोसेस को समझने की कोशिश करो और फिर बातों को छोड़ करके अपनी लाइफ की सिचुएशन को एनालाइज कर लो। अगर सिंपल वे में बोलूं, आप अभी कोई काम कर रहे हो, क्या कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो अभी, तो आप पढ़ाई कर रहे हो, कुछ सोच समझ के आपने वो करियर चूज किया होगा या पेरेंट्स की वजह से किया होगा, किसी भी वजह से कुछ ना कुछ सोच, उस टाइम पे सोच समझ, राइट, आपने सोच समझ करके अपना एक करियर चूज किया है जिसमें एक फाइनेंशियल आउटकम एक बहुत बड़ा रोल होता है कि आगे जा करके मुझे यहाँ से जॉब मिल सकती है, ये हो सकता है, वॉट एवर इट इज, एक सेफ एंड सिक्योर कोई ना कोई ऑप्शन आपने सोचा होगा अपनी तरफ से। दूसरी तरफ से मन कर रहा है कुछ और करने का, तो अब सवाल ये उठता है इन दोनों में से क्या करना चाहिए। अगर सिंपल वे में बोलूं, ये जो दो ऑप्शन हैं आपके पास में, इसकी पूरी डेप्थ में जाओ, पूरी डेप्थ में जाओ, मतलब इसके फ्यूचर तक जाओ कि अगर मैंने ये किया तो क्या होगा, ये किया तो क्या होगा। हो सकता है जो अभी आप कर रहे हो आपको लग रहा है कि इसमें बहुत ज्यादा स्कोप है, लेकिन जब उसकी डेप्थ में जाओगे, जो लोग वो कर चुके हैं उनसे बात करोगे, तो आपको समझ आएगा इसमें कोई पोटेंशियल ही नहीं है। और जो आपका इंटरेस्ट है, हो सकता है वहां पे आपको लग रहा हो कि यार मेरा इंटरेस्ट तो है, पैशन तो है, इतना सोचना पड़ रहा है, इसका मतलब कि वहां पे फाइनेंशियली अभी आपको कुछ नजर नहीं आ रहा है। बिल्कुल। तो हो सकता है जब आप उसकी डेप्थ में जाओ तो वहां पर फाइनेंशियली आपको बहुत कुछ नजर आ जाए, आपको ये लगे कि यहां पर बहुत कुछ किया जा सकता है। तो अब आपको क्या करना है, सोच करके समझ करके फिर एक डिसीजन लेना है, जो सबसे डेडली कॉम्बिनेशन है। कितने लोगों ने मेरा हाउ टू कंट्रोल योर माइंड वाला सेशन देखा है? देखा हुआ, देखा है, इंक्लूडिंग, वेरी नाइस, बड़ी जल्दी देख लिया यार, अभी तो एक हफ्ता पहले तो अपलोड हुआ है, तुमने देख भी लिया, सही है जी। फर्स्ट डे फर्स्ट शो, कितने हैं फर्स्ट डे फर्स्ट शो वाले यहाँ पर? तो पाजी ऐसा है, हाउ टू कंट्रोल योर माइंड वाले में मैंने क्या बोला था कि बुद्धि से मन को कंट्रोल करना है, यही बोला ना मैंने, बुद्धि की और मन की बात करी ना, इसका एक और लेवल है जिसकी मैंने उसके अंदर बात नहीं करी है, वो और उससे भी एक डीपर लेवल है। वो क्या है जो मैंने अपनी लाइफ में फॉलो किया है, वो है कोई ऐसा काम जहां पर आपका जो मन है और आपकी जो बुद्धि है, यानी कि मन मतलब डिजायर, कि आपका डिजायर है कि मुझे ये काम करना है, बुद्धि क्या है समझ, ये दोनों चीजें अगर आकर के मिल जाए किसी काम में तो क्या होगा, डेडली कॉम्बिनेशन है। इसी कॉम्बिनेशन के बेस पर मैं अपनी लाइफ में चला हूं और चल रहा हूं। कंफ्यूजन सिर्फ तब पैदा होता है जब इन दोनों चीजों में कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है कि हमारा डिजायर कुछ और है, समझ उस काम की पक्के तरीके से है नहीं, अब हम कंफ्यूज हुए पड़े हैं, अब क्या करें और क्या ना करें, किसी की हम डेप्थ में जा ही नहीं रहे हैं तो समझ कैसे आएगा। नहीं बट आपने कहा था ना कि जो चीज मैं करना चाहता हूँ उसकी एकदम लास्ट स्टेज ले लो कि यार बुरे से बुरा क्या हो सकता है, तो कहीं ना कहीं जो चीज मैं करना चाहता हूँ अगर मैं उसका बुरा से बुरा देखता हूँ ना तो थोड़ा सा डर जाता हूँ, बट करने में बहुत मजा आता है। अब हो क्या रहा है कि आप वहां पर वर्स्ट केस सिनेरियो देख करके डर रहे हो, अभी जो कर रहे हो उसका वर्स्ट केस सिनेरियो देखो, ना डरो तो मेरा नाम बदल देना, ये बड़ी प्रॉब्लम है। हाँ, हम जो हमारा डिजायर है उससे रिलेटेड तो वर्स्ट केस सिनेरियो देख लेते हैं और डर जाते हैं, लेकिन जो हम कर रहे हैं उसका वर्स्ट केस सिनेरियो नहीं देखते। क्या उसका कोई वर्स्ट केस सिनेरियो नहीं है कि एक काम आपको जो पसंद ही नहीं है और अपनी लाइफ में 50 साल तक बैठ करके सुबह से लेकर रात तक आप वही काम करोगे, इससे वर्स्ट और क्या हो सकता है। सही कह रहे हो।
पाजी ने आज बोल ही दिया, सही कह रहे हो, मतलब मुझे कुछ कुछ समझ आ रहा है, अंदर जा रहा है, अंदर जा रहा है। ये डेडली कॉम्बिनेशन पकड़ में आ रहा है कि जहां पर जाकर के हमारा डिजायर और समझ मिल जाए। समझ तब होगी उस काम की जिससे रिलेटेड हमारे अंदर डिजायर है, जब हम उसकी डेप्थ में जाएंगे, उसके ऊपर स्टडी करेंगे, उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे। जितना भी आपको लग रहा है कि मैंने बहुत कुछ स्टडी कर लिया है, उससे भी ज्यादा करो। आपको लग रहा है कि हाँ मुझे समझ आ गया है, और डीप में जाओ, और डीप में, और डीप में, और डीप में, तो हो सकता है एक ऐसे पॉइंट पे जाकर के आप पहुंच जाओ जहां पर आपका डिजायर और समझ दोनों जाकर के मिल जाए। उससे क्या होगा? वही होगा एग्जैक्टली जो मेरे साथ हुआ है। मेरे साथ क्या हुआ है कि मेरी डिक्शनरी में, मैंने बहुत बार बोला है लेकिन बहुत कम लोगों को ये बात समझ में आती है कि मेरी डिक्शनरी में हार्डवर्क नाम की कोई चीज़ नहीं है। हार्डवर्क सिर्फ उस काम में करना पड़ता है जिसमें आपका इंटरेस्ट नहीं है। इस दुनिया में आप 99% लोगों को देखोगे, सब थके हुए मिलेंगे। शाम को ऑफिस से आए हैं, थके हुए हैं। ये थके हुए क्या होता है, मुझे नहीं पता। आप रात को अगर 12 बजे भी मेरे पास में आओगे, मैं आपको ऐसे ही मिलूंगा जैसे अभी यहां पर। मुझे नहीं पता, जेन्युइनली बता रहा हूं, फैक्ट बता रहा हूं, मुझे नहीं पता आलस क्या होता है। आई डोंट नो, क्योंकि मैं वो काम करता ही नहीं जिसमें मेरा डिजायर नहीं है। जिसमें डिजायर है उसको इतना डीप में चला जाता हूं, उस काम के इतना डीप में। और एक बार हमको एक काम समझ आ जाए तो ऐसा कोई काम नहीं है जो नहीं किया जा सकता। प्रॉब्लम क्या है? ये आलस मार रहा है हमको, ये आलस मारता है। आलस ही तो है ना कि अपनी पसंद का काम ढूंढो। अरे कौन ढूंढेगा, छोड़ना, ये काम तो बड़ा भारी है, कौन ढूंढेगा, मुझे नहीं पता मेरा इंटरेस्ट क्या है। मतलब क्या, दुनिया धक्के मारती रहेगी, आप चलते रहो और घर पे आकर के रोते रहोगे बैठे बैठे कि मैं थक गया हूं, मैं थक गया। क्या होती है ये थकान? मुझे नहीं पता ये आलस क्या है, थकान क्या है, ये सब चीजें क्या है। अगर हम वही काम करें जिसमें हमारा पैशन है, जिसमें हमारा इंटरेस्ट है, उसको समझदारी से करें, दिमाग से करें, हम कभी थक ही नहीं सकते। आप करो दिन में 16 घंटे काम, आप थक नहीं सकते। आप दिन में 24 घंटे में से 16 घंटे काम करो ना, कौन कहता है 8 घंटे करना है, 16 घंटे करो, नहीं थकोगे, पूरे वक्त फ्रेश रहोगे, माइंड अलर्ट रहेगा, हाइपर एक्टिव मोड में रहोगे। ये सब चीजें सिर्फ तब हो सकती हैं जब हम इस डेडली कॉम्बिनेशन को समझ जाए जिसकी मैं बात कर रहा हूं, जहां पर हमारा जो मन है और बुद्धि है वो आकर के मिल जाए। मन मतलब क्या है? ये जो मैं कर रहा हूं ये क्या है? ये भी तो मन ही है। मेरा मन कर रहा है कि मैं आप लोगों के साथ आकर के अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं, लेकिन बुद्धि क्या कहती है, क्या इसमें कुछ गलत है? यस और नो? दूसरा क्या है कि मेरा मन कर रहा है कि मैं गलत सलत काम करूं, बुद्धि क्या कहती है, नहीं करो। तो उस वक्त हमको अपनी बुद्धि से बोलना है, मन को नहीं कर रहा, कोई भी काम है कितना भी मजा आने का नहीं कर रहा, शॉर्ट टर्म मेरी विजन है ही नहीं, कीड़े मकोड़ों की तरह जीना ही नहीं है। ये चीज दिमाग में घुसा दो, क्लियर है ना? वो सारे काम जो इंसान करते हैं वो कीड़े मकोड़े भी करते हैं, जानवर भी करते हैं, तो मुझे जानवरों से ऊपर उठना है, इंसान बन करके जीना है। इंसान मतलब क्या? दो चीजें हैं, एक वो कि जो मेरे अंदर से आ रहा है और मुझे पता है कि वो करना सही है मेरे लिए भी और औरों के लिए भी, उसको करने के लिए कुछ भी करना पड़े मैं करूंगा, कितने भी सेक्रीफाइसेस देने पड़े मैं दे दूंगा, कितनी भी मुश्किलें आए मैं खत्म करता चला जाऊंगा, मैं आगे बढ़ता चला जाऊंगा, दुनिया की कोई ताकत मुझे रोक नहीं सकती है, किसी हाल में नहीं रोक सकती। क्योंकि एक ऐसी जगह है जहां पर आकर के मन और बुद्धि मिल गए। दोनों चीजें जरूरी है ना, एक काम को करने के लिए एनर्जी भी चाहिए, बहुत एनर्जी चाहिए, जितना बड़ा आपको काम करना है उतनी बड़ी एनर्जी चाहिए, हा? और उस काम में आगे बढ़ने के लिए, ग्रो करने के लिए, एक पॉइंट पे जाके आप स्टक होगे, फिर बार बार स्टक होगे, और आगे बढ़ने के लिए और आगे छलांगे मारने, समझ चाहिए, समझ में मेहनत करनी पड़ती है। समझ ही तो कर्म है, और क्या है? मन के लिए कर्म क्या है? आप अपने मन के हिसाब से चलते चले जाओ, उसमें क्या कर्म करना है, वो तो पूरी दुनिया चल ही रही है। कर्म क्या है? कि मन में जो गलत चीजें आ रही हैं वहां पर जा करके अपने आप को रोकना, ये सही कर्म है। और अगर मन में कुछ सही आ रहा है उस पर टिके रहना, हर हालत में टिके रहना, ये कर्म है।